कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। मैंने इसके पहले एक वीडियो निकाली थी, मेरी जानकारी सही नहीं थी इसलिए उस वीडियो को मैंने भेजने से मना किया। आज पूरे मुंबई पूरे महाराष्ट्र में जो जो मुसलमान ये सुन रहा है कि मलाड के अंदर कल कब्रिस्तान में एक मुसलमान की मैयत जो कोरोना की बीमारी से इंतकाल हुआ था उसको दफनाया नहीं गया और उसे जो है जाकर के जला दिया गया, सारे मुसलमानों में बेहद बेचैनी फैली हुई है। मैंने जब वहाँ मेरा आदमी भेजा पता लगाने के लिए सच्चाई, तो वहाँ पर मुझे एक गुलाम गरीब नवाज मिले जिनकी बातों में सच्चाई समझकर मैंने वीडियो निकाल दिया। लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल सच्ची सच्चाई है कि जो लोग अस्पताल में गए थे साथ में, जो लोग अस्पताल में थे, जो लोग मैयत को लेकर आए, जो कब्रिस्तान में गए, इन लोगों ने कहा कि हम दफनाने आए थे साथ में, हम मैयत को ले गए, कब्रिस्तान में जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, यहाँ के मिनिस्टर से बात जब तक नहीं होगी हम दफनाने नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा मिनिस्टर तो बहुत है महाराष्ट्र में, कौन सा मिनिस्टर, तो बोले असलम शेख। तो इन लोगों ने जो मैयत को ले गए थे असलम शेख को रात को फ़ोन लगाया, उनका टेलीफोन नहीं उठा। उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ यहाँ भाग दौड़ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस भी वहाँ पर आई और उसके बाद मैयत को वहाँ के जिम्मेदारों ने दफनाने नहीं दिया और म्यूनसिपल्टी के लोग पुलिस के लोग सब ने बहुत ही ज़्यादा मदद किया इसके अंदर। जो शख्स साथ थे उनके फैमिली के लोग उन सब लोगों का यही बयान है कि सबकी मदद बराबर हुई लेकिन कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने कहा हम अपने कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वाले शख्स को दफनाने नहीं देंगे। तब जाकर के म्यूनसिपल्टी के लोग मजबूर होकर लेके गए और उन्होंने जाकर उसको जला दिया। ये सच्चाई है। मुझे अफसोस है कि ये कब्रिस्तान के जिम्मेदार किसी के बाप की कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान जो है एक जो है सबकी पूरी कौम और मिल्लत की होती है, लेकिन उसके अंदर वहाँ के जिम्मेदारों ने अगर उसे वहाँ पर दफनाने नहीं दिया तो मैं समझता हूँ इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती है। हम सारे मुसलमान बहुत बेचैन इस बात पर, हाँ इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं सरकार से और पुलिस से कहूँगा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा नहीं जाए इसकी।